अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हमने कुछ इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग, तो हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है a प्लस बी का क्यूब, और हमने देखा है कि a प्लस बी का क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अभी यहाँ पर a आएगा वहां पे हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर 2 को, और यहाँ पर b आएगा वहां पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा को। तो अभी हम इसका फार्मूला को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब, यहाँ पर आएगा माइनस 1 ओवर 2, साथ आएगा हमारे पास इसका क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा प्लस अभी 3, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा b, b की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा। तो स्टूडेंट साथ है हमारे पास 3, a a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 ओवर 2 और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा स्क्वायर, तो साथ है प्लस b का क्यूब, b हमारे पास है 3 ओवर 2 ओल्टा, इसका हमारे पास आ गया क्यूब। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पे है माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि ये पावर 2 पे डिवाइड नहीं हो रही, हमारे पास एक और पावर है माइनस माइनस ही रहेगी, ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 के। तो स्टूडेंट साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा, साथ आ जाएगा हमारे पास प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 2, साथ हमारे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर अकेला 3 आ जाएगा ओवर 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 के, और यहाँ पर है ओल्टा स्क्वायर, तो ओल्टा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस 1 के, साथ हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 1 प्लस, अभी यहाँ पर आ गया 3, ए स्क्वायर रूट 3 की पावर क्यूब है, तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, तो हमने इसको 3 दफ़ा लिख दिया, अभी 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास होता है 3 के, तो साथ हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तभी हम इसकी जगह लिखते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 के, यहाँ पर है ओल्टा क्यूब, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको ओल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओल्टा, ओल्टा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस 1 के, और ओल्टा हमारे पास होता है ओल्टा और माइनस 1 मल्टीप्लाई ओल्टा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ओल्टा, अभी ओल्टा क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ओल्टा को, इसको मैं कर देता हूँ रेज, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओल्टा। अभी हम इसको करते हैं सॉल्व, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 8, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओल्टा ओवर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास माइनस और ये हमारे पास है माइनस, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 ओवर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ए 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 8, साथ हमारे पास आ जाएगा ओल्टा। तो स्टूडेंट्स अभी देखें यहाँ पे कोई चीज़ कट हो रही है, ये है प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओल्टा ओवर 8 प्लस में, और ये है माइनस में, ये कैंसिल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया माइनस माइनस 1 ओवर 8 प्लस 9 ओवर 8। तो स्टूडेंट्स अभी इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इसका आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 9, यहाँ पर आ जाएगा 8 ओवर 8, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हमारा सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। नंबर 3 हमारे पास है माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा, इसकी पावर है माइनस 2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साथ है हमारे पास ओल्टा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो टर्म सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसकी पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 2
मल्टीप्लाई हमारे पास है x, यानी x की पावर हमारे पास है 1, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 1 और x की पावर माइनस 1। तो अभी हम इस फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अभी हम इसको, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओइटा की पावर हमारे पास है माइनस 2 प्लस 1, यानी प्लस माइनस 2 इसके आगे प्लस 1 इसकी पावर आ गई। इसको मैंने यानी कि क्लोज करके इसको लिख लिया है। अभी स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिखते हैं माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओइटा इसकी पावर हमारे पास है माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम, ये माइनस 1 है, अभी हम इसकी पावर को प्लस करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओइटा इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट्स 1 लिखते नहीं है, वैसे ही हम इसको ले लेते हैं, यानी माइनस 1 था ये नीचे आके पॉजिटिव 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पर है माइनस, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास प्लस 1। तो अभी हम इसको करते हैं 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओल्टा मल्टीप्लाई, ये हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओल्टा ओवर 2 डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे भी आ गया प्लस। अभी हम इसको, इसको 1 के इस जो टर्म है हमारे पास, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2 डिवाइड, ये हमारे पास है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर यहाँ पे है a माइनस बी और a प्लस बी, जो हमारे पास होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अभी हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास डिवाइड, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस 1 है, पावर इसकी है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, ये साथ आ जाएगा हमारे पास माइनस, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ओइटा स्क्वायर, ओइटा स्क्वायर हमारे पास, इसको लिख लेते हैं वैसे ओइटा स्क्वायर लिख लेते हैं, ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 40। तो अभी हम इसको करते हैं माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2 डिवाइड, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 ओवर 4 माइनस, ये ओइटा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस 1, अभी माइनस 1 को 1 से माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका 4 ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 हमारे पास होता है 4 के, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओइटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। 4 हमारे पास है a प्लस बी ओइटा, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पर a आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे a को, यहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे b ओइटा को। तो अभी हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा b ओइटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला के a, यहाँ पर आ जाएगा
बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ गया हमारे पास ए स्केयर प्लस बी ओइटा स्केयर, बी स्केयर और ओइटा स्केयर प्लस आ गया हमारे पास टू ए बी ओइटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के, यहां पर आ गया प्लस टू ए बी ओइटा। तो यहां पर आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस माइनस माइनस बी स्केयर प्लस टू ए बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, इसको मजीद भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो प्लस आ गया हमारे पास टू ए बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा सोल्यूशन भी ठीक है और ये हमारा सोल्यूशन भी ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर फोर और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर फाइव। हमारे पास इसका है ए प्लस बी ओइटा की पावर हमारे पास है माइनस टू, अभी हम इसको लिख लेते हैं प्लस में, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ए, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको वन ओवर ए प्लस बी ओइटा की पावर यहाँ पर हमारे पास आ गया टू, ये माइनस टू था तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस टू। अभी हम इसके फार्मूला को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया वन ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो यहाँ पर आ गया बी ओइटा का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया प्लस टू फार्मूला के, यहाँ पर हमारे पास आ गया ए साथ आ गया बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको मजीद सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ गया वन ओवर ए स्केयर, ये बीस यहाँ पर आ गया बीस स्केयर और ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के, अगर प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी कि बीस स्केयर आ गया, ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के और प्लस माइनस यहाँ पर आ गया माइनस साथ आ गया बीस स्केयर, प्लस हमारे पास आ गया प्लस टू ए बी बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम इसको लिखते हैं वन ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर आ गया प्लस टू ए बी ओइटा। अभी हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस टू ए बी ओइटा ओवर, यहाँ पर आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस टू ए बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको कर लेते हैं मजीद सोल्व, अभी वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी ओइटा ओवर। तो स्टूडेंट्स अभी और करें, ये हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास आ गया ए स्केयर, यानी यहाँ तक जो हमारे पास टर्म थी ये हमारे पास थी ए की और यहाँ तक जो हमारे पास टर्म थी ये थी हमारे पास बी की, यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है ए यहाँ पर है माइनस बी, यहाँ पर बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिख लिया ए स्केयर, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस, यहाँ पर आ गया बी स्केयर, यहाँ पर आ गया टू ए बी ओइटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको मजीद सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी ओइटा ओवर। तो इसको हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी का स्केयर है तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर, ए स्केयर हमारे पास आ जाएगा ए की पावर फोर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस बी स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी की फोर माइनस टू फार्मूला के, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास है ए स्केयर और बी की वैल्यू हमारे पास है बी स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अभी हम इसका बी स्केयर था तो यहाँ पर आ जाएगा टू का स्केयर हमारे पास होता है फोर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर साथ आ जाएगा बी स्केयर और ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी ओइटा ओवर, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर फोर
प्लस बी की फोर, यहाँ पर आ गया माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस वन, ये है माइनस, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस फोर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसको हम मजीद सोल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओल्टा ओवर, ये है माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह है प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा ए की फोर प्लस बी की फोर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर फोर में से टू को हमने माइनस कर दिया है तो यहाँ पर आ गया प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो ये जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हम अभी अगर इस, ये जो हमारे पास यहाँ तक टर्म है हम इसको अगर क्लोज करके लिखे तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओल्टा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर। अभी हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए बी ओल्टा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास दो टर्म्स थी ए और बी, हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया ए ओवर ये हमारे पास जो टर्म है माइनस बी ओवर जो हमारे पास ये टर्म है, हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर फाइव, और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर सिक्स। सिक्स ये हमारे पास ए प्लस ओइटा बी की पावर हमारे पास है थ्री, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ पर अभी ए आएगा वहां भी हम लिखेंगे ए को, यहाँ पर बी आएगा वहां भी हम लिखेंगे ओल्टा बी को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर आ गया ए क्यूब, यहाँ पर आ गया प्लस थ्री ए स्क्वायर, साथ हमारे पास आ गया ओल्टा बी, यानी कि थ्री ए स्क्वायर बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पर आ गया थ्री ए, ए की वैल्यू हमारे पास है ए और बी की वैल्यू हमारे पास है ओल्टा बी का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ओल्टा बी का स्क्वायर, तो साथ आ गया प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर आ गया ओल्टा बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर ओल्टा बी प्लस, ये ओल्टा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस वन के, तो अभी हम इसको एक स्टेप में और लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आ गया ए थ्री ए ओल्टा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस वन के, और साथ ही इसको मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर, ये माइनस वन मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया बी का क्यूब, और साथ हमारे पास आ गया ओल्टा का क्यूब, ओल्टा के क्यूब है, अभी मैंने जो पिछले मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व किया है वहाँ पर ओल्टा का क्यूब आया था, तो ओल्टा क्यूब जो हमारे पास होता है इसको हम लिख सकते हैं ओल्टा स्क्वायर माइनस ओल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओल्टा, तो ओल्टा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस वन के, साथ आ गया ओल्टा, माइनस वन को ओल्टा से मल्टीप्लाई किया ये आ गया हमारे पास माइनस ओल्टा, यानी कि अभी ओल्टा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ माइनस ओल्टा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओल्टा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर ओल्टा बी, ये हमारे पास माइनस वन है प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया प्लस बी का क्यूब, साथ ये प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी का क्यूब, साथ आ जाएगा हमारे पास ओल्टा। तो स्टूडेंट्स अभी जो ओल्टा वाली वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर आएगा माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर ओल्टा बी माइनस बी क्यूब ओल्टा, यानी जो ओल्टा वाली टर्म थी हमने उनको सेपरेट कर लिया, जो ओल्टा के बगैर थी उनको हमने सेपरेट करके लिख लिया, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर,
यहाँ से ओइटा को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर हमारे पास आ गया थ्री ए स्क्वायर बी माइनस ओइटा हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर सिक्स, और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर सेवन। अभी हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे ए को, यहाँ पर आएगा बी, वहाँ पे हम लिखेंगे ओइटा बी को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा ओइटा बी का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा बी, बी की वैल्यू हमारे पास है ओइटा बी, साथ आ गया प्लस थ्री ए, ए की वैल्यू हमारे पास है ए, और बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर ओइटा बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिखते हैं ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस। अभी हमने स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में किया है कि जो हमारे पास ओइटा क्यूब होता है वो हमारे पास होता है माइनस ओइटा के, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओइटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओइटा, साथ आ जाएगा बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स अभी ओइटा क्यूब हमारे पास होता है माइनस ओइटा के, साथ आ गया हमारे पास माइनस थ्री ए स्क्वायर, साथ आ गया हमारे पास ओइटा बी, ओइटा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस वन के, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया थ्री ए बी, और साथ आ गया हमारे पास ओइटा, यहाँ पर आ गया थ्री ए, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, साथ आ जाएगा ओइटा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस वन के, ये ओइटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस ओइटा बी का क्यूब, यहाँ पर आ गया माइनस थ्री ए स्क्वायर ओइटा बी माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर। अभी जो ओइटा वाली टर्म है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ओइटा बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर ओइटा बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ले लेते हैं ओइटा को कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ओइटा को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ गया बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर, ओइटा हमारा आ गया कॉमन, तो यहाँ पर आ गया बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर सेवन, और अभी हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर एट। वो हमारे पास है थ्री माइनस स्क्वायर रूट माइनस फोर, इसकी पावर है माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पर आ जाएगा थ्री माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस वन, साथ लिख लेता हूँ फोर, यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व भी करूँ फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है माइनस फोर, इसकी पावर आ गई हमारे पास माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ओइटा स्क्वायर होता है वो होता है माइनस वन के, अगर मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ गया ओइटा इक्वल हमारे पास आ गया माइनस वन, स्क्वायर रूट माइनस वन। अभी यहाँ पर ओइटा आएगा, वहाँ भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस वन को, और अब यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट माइनस वन, वहाँ पर हम लिख सकते हैं ओइटा को। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर थ्री माइनस माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस वन, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट फोर, इसकी पावर हमारे पास आ गई माइनस थ्री, यानी इन दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख लिया है। अभी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया थ्री माइनस स्क्वायर रूट माइनस वन हमारे पास होता है ओइटा के, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओइटा, और स्क्वायर रूट फोर हमारे पास होता है हमारे पास टू के, यहाँ पर आ गया टू ओइटा टू, या इसको लिख लें टू ओइटा लिख लें यहाँ पर टू ओइटा, तो साथ इसकी पावर हमारे पास आ गई है माइनस थ्री। तो अभी हम इसको पॉजिटिव करते हैं इसकी पावर को, यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर थ्री माइनस टू ओइटा की पावर हमारे पास आ गया थ्री। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर दें ए माइनस बी का क्यूब, यहाँ पर ए यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू ए माइनस बी का क्यूब, हमारे पास होता है ए क्यूब
माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू के। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके फार्मूला को यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन ओवर, यहाँ पे आ गया ए का क्यूब, ए हमारे पास है थ्री, थ्री का क्यूब, यहाँ पे आ गया माइनस थ्री, यहाँ पर आ गया ए स्केयर, ए हमारे पास है थ्री का स्केयर, साथ आ गया बी, बी की वैल्यू हमारे पास है टू ओइटा, साथ हमारे आ गया प्लस थ्री ए, ए हमारे पास है थ्री, साथ हमारे पास आ गया बी का स्केयर, बी हमारे पास है टू ओइटा का स्केयर, साथ आ गया हमारे पास माइनस बी का क्यूब, बी हमारे पास है टू, साथ हमारे पास आ गया ओइटा का क्यूब। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन ओवर, वन ओवर यहाँ पर हमारे पास थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब हमारे पास होता है ट्वेंटी सेवन, यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस थ्री का स्केयर हमारे पास होता है नाइन, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन को टू से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिफ्टी फोर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर साथ हमारे पास आ जाएगा ओइटा। अभी यहाँ पे टू का स्केयर है, टू का स्केयर हमारे पास होता है फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है ओइटा स्केयर, ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स, तो साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस, माइनस टू का क्यूब, टू का क्यूब हमारे पास होता है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एट, एट ओइटा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा एट ओइटा क्यूब, और एट ओइटा क्यूब हमें पता है कि जो हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास माइनस वन ओइटा के, माइनस वन ओइटा के, जब मैं पिछले क्वेश्चन में भी किया है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको प्लस एट ओइटा ओइटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी सिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर माइनस नाइन, माइनस फोर्टी फोर ओइटा प्लस एट ओइटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर्टी सिक्स, माइनस फोर्टी सिक्स ओइटा। तो स्टूडेंट अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस नाइन, यहाँ पर है प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस फोर्टी सिक्स, फोर्टी सिक्स ओइटा ओवर माइनस नाइन प्लस फोर्टी सिक्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओइटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस नाइन प्लस फोर्टी सिक्स ओइटा ओवर, तो ये हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस नाइन का स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर्टी सिक्स ओइटा का स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस नाइन प्लस फोर्टी सिक्स ओइटा ओवर नाइन का स्केयर, हमारे नाइन का स्केयर हमारे पास होता है एटी वन, ये माइनस हमारे पास प्लस में हो जाएगी, यहाँ पे आ गया माइनस, अभी फोर्टी सिक्स को फोर्टी सिक्स का हम लेते हैं स्केयर, यहाँ से ले लेते हैं कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू वन वन सिक्स, टू वन वन सिक्स। तो स्टूडेंट साथ ही हमारे पास है ओइटा स्केयर, ओइटा स्केयर हमारे पास होता है माइनस वन के, माइनस वन यहाँ से आएगा, माइनस ये होएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ गया प्लस टू वन वन सिक्स, साथ ओइटा स्केयर हमारे पास प्लस में हो गया। अभी हम इसको लिख लेते हैं नाइन माइनस नाइन प्लस फोर्टी सिक्स ओइटा ओवर, यहाँ पे एटी वन प्लस, इसको हम कर लेते हैं एट, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेवन, यहाँ पे आ जाएगा एट, यहाँ पर आ जाएगा नाइन, यहाँ पर आ जाएगा वन, यहाँ पर आ जाएगा टू। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस नाइन ओवर टू वन नाइन सेवन प्लस फोर्टी सिक्स ओइटा ओवर टू वन नाइन सेवन, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर एट जो अभी हमने सॉल्व किया है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, फिर भी इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई भी मसला आता है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।